नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। दिनेशपुर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान प्रेमानंद महाजन ने कहा है कि देश की आजादी के समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेसी सारे लोग इकट्ठे होकर एक साधारण समारोह मनाया के रूप में मनाया गया। आज 138वीं अवस्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का। आज से 138 साल वर्ष पूर्व कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी और तब से अब तक कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष के एक तो जब गुलाम कांग्रेस पार्टी का जो जन्म हुआ था गुलाम भारत में हुआ था, फिर आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था और आज तक कांग्रेस संघर्ष कर ही रही है। मैं अपनी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, कांग्रेस के साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं और कांग्रेस के सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि आओ। खबर हरिद्वार से है, जहां स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने हरिद्वार में कोतवाली पर प्रदर्शन किया है। पिछले दिनों हरिद्वार कांग्रेस के ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर पर खाली कर दिया गया था। हालांकि अब कांग्रेस नेता ऑफिस पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुराना कांग्रेस कार्यालय वापस लेने के साथ साथ हरिद्वार में एक नया कांग्रेस ऑफिस भी बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 5,11,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के जरिए सभी जगह पर अपने कार्यालय बनाकर खड़े कर दिए हैं। भाजपा जो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहती है, मैं 5 साल भाजपा सरकार में रहा हूं। मैंने अभी देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भाजपा ने जो 30 करोड़ की एफडी बनाई है ना पार्टी चलाने के लिए, प्रदेश में पार्टी चलाने के लिए, और जो जिला कार्यालय महानगर कार्यालय बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो सारे खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफियाओं का पैसा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सांसद गढ़वाल तीर्थ सिंह रावत द्वारा बौंसाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कलरीखाल विकासखंड के लगभग 6,495 लाख रुपए की लागत से सड़कों का कार्य शुभारंभ किया गया है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सांसद गढ़वाल तीर्थ सिंह रावत और विधानसभा पौड़ी के विधायक राजकुमार पौरी ने संयुक्त रूप से शिलान्यास कर संकल्प यात्रा में प्रतिभाग किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपग्रेडेशन का शुभारंभ करते हुए सांसद रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में ये सबसे लंबी सड़क है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मानित की गई है। इस विकासखंड में एक साथ 5 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल की गई है, जो इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। कलरीखाल ब्लॉक की 5 सड़कों का भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम था और जिसमें 34 किलोमीटर एक ही रोड लंबी, यानी प्रदेश के अंदर कहीं भी इतनी लंबी सड़क नहीं है। ये सौभाग्य है कलरीखाल वालों का। और साथ में 4 सड़कें और भी हैं प्रधानमंत्री सड़क, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसमें हमारे जो अपने ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे मान्य विधायक हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विकासखंड कलरीखाल का दौरा लगाया और इस दौरे के अंतर्गत एक विशेष सौगात कलरीखाल विकासखंड के लिए मिली है, क्योंकि आज जो है 5 सड़कों का भूमि पूजन हुआ और इन पे काम शुरू हो गया है। पीएमजीएसवाई की 5 सड़कें कलरीखाल विकासखंड के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी। इन पे बहुत समय से लोगों की मांग थी कि हमारी सड़कें बहुत खराब हैं, तो आज जो है वो शुभ घड़ी आई है कि कलरीखाल विकासखंड के अंतर्गत 5 सड़कों का भूमि पूजन हो गया है और काम शुरू हुआ है। इनमें से 5 सड़कें
सबसे बड़ी सड़क, बल्कि पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी सड़क जो है भौसाल से कलचीखाल तक है, 34 किलोमीटर की। इतनी बड़ी सड़क जो है कहीं स्वीकृत नहीं हुई है। गदरपुर में गुरु गोविंद सिंह के चार शहीद पुत्रों की याद में शहीदी दिवस मनाया गया है। इस मौके पर बोलते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने जो देश और धर्म के लिए कुर्बानियां दी थी, उसी के चलते हम लोग सब यहां पर सुरक्षित हैं और जीवित खड़े हैं। अगर उनके परिवार ने कुर्बानियां नहीं दी होती तो ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म कर चुके होते। नई पीढ़ी को उनकी कुर्बानियों से अवगत कराने का दिन है। बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा में ग्राम पंचायत दुदम के क्षेत्र जनप्रतिनिधि ग्रामीण कपकोट विधायक सुरेश गड़िया के साथ सड़क मार्ग जोड़ने को लेकर अधिकारी के साथ बैठक की गई। इस दौरान कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने लोक निर्माण विभाग कपकोट के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने हुए तत्काल विभाग को मोटर मार्ग निर्माण से संबंधित समस्त प्राथमिक कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के आदेश दिए और कहा कि ग्राम पंचायत को मोटर मार्ग से जल्द ही जोड़ा जाएगा। इस मौके पर कपकोट विधायक सुरेश गड़िया, ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का जिन एक बार फिर बोतलों से बाहर आ गया है। ईवीएम पर सवाल उठते ही सियासत तेज हो गई है। जहां ईवीएम को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी भी प्रत्यारोप करने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने की बीजेपी का यह पहले से ही एजेंडा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पर ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ियां जरूर मिलती है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस जब जब भी किसी राज्य में चुनाव हारती है तब तब वह अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है। देखिए, सूर्यकांत धस्माना जी का तो मैं कहूंगी कि वो हाल है खितियानी बिल्ली खंबा नीचे। जब इनको जहाँ पे हार का सामना होता है तब ये बड़ी आसानी से जो है अपने कमियों का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते आए हैं। और ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर यही करती आ रही है। मुझे एक ईवीएम हैकिंग को लेकर एक किस्सा याद आ रहा है कि जब आजादी के बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट को लेकर चयन होना था तो जो प्रोविंशियल कमेटी थी 15, उनमें से वोटिंग का जो है वहाँ पे वोटिंग हुई और 12 वोट जो है वो माननीय पटेल जी को पड़े थे और 2 वोट जो है आचार्य कृपलानी जी को पड़े थे। और नेहरू जी तो कहीं थे ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ महात्मा गांधी जी के लिए प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वही प्राइम मिनिस्टर की पद पर सुशोभित होगा। तो ये सब चीजें इन्होंने जो ईवीएम हैकिंग है ये तो डे वन से ये लोग कर रहे हैं और अब जनता के सामने इनका पर्दाफाश हो गया है और जनता इन्हें समझ चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की जो गाड़ी है वो घर घर पहुंच रही है और हर घर में भाजपा मजबूत हो रही है। वो तो मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के तमाम नेता वो सीना तान करके बोलते हैं कि हम 5 सीटें क्या होते, कहते हैं हम 400 प्लस आएंगे देश में। वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पता है कि किस प्रकार से चुनाव को उस पर डाका डाला जाता है, जनता के वोट पर डाका किस प्रकार से डाला जाता है वो उनको मालूम है और वही काम वो लगातार कर रहे हैं। पिछले कई चुनावों में वो कर चुके हैं। इस बात को हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी समझना पड़ेगा, हमारे कांग्रेस के लोगों को भी समझना पड़ेगा। काशीपुर पुलिस ने 19 दिसंबर की रात आईटीआई थाना क्षेत्र स्थित हनुमान कॉलोनी में पिता व पुत्र को बंधक बनाकर पड़ी सशस्त्र डकैती के मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आरोपी नगर क्षेत्र की बंद पड़ी काशीपुर शुगर मिल परिसर में एक और नई डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हनुमान कॉलोनी काशीपुर के अलावा मुडा पांडे जिला मुरादाबाद में डकैती का माल बरामद किया है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा
कि ये थाने का मामला है, वो थाने का चैनल है। मैं आपको बता दूं, जसपुर, काशीपुर, कुंडा, ITS सभी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, विशेष रूप से इसको लीड किया, इस ऑपरेशन को, जिसमें फील्ड लेवल पे प्रवीण कोश्यारी लीड कर रहे थे। दिस शोइंग दैट टीम वर्क इज वेरी गुड इन उधम सिंह नगर। तो टीम वर्क का ये भावना है, बहुत बड़ी टीम हमने निकाला, विभिन्न जनपदों पे हमने रेड मारा, कैमरेज को देखते हुए, CDRs को देखते हुए, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से, इन सभी का समागम से हमने इस बहुत बड़ा अंतर राज्य गिरोह का वर्कआउट किया है। कुल मिला के बता दूं साथियों, ये बड़ा शातिर काइंड ऑफ अपराधी है। ये लोग वैसे तो दिन दहाड़े में, दिन के टाइम में वो मजदूरी, दिहाड़ी, पेंटर, रंगाई पुताई, ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं। खटीमा उपवन प्रभाग के सीमांत सुरई वन रेंज के अंतर्गत कंपार्टमेंट संख्या 42 में एक मृत बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने आनन फानन में शव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं DFO संदीप कुमार ने बताया कि लगभग 10 से 15 वर्ष का नर बाघ सुरई रेंज के जंगलों में गेस्ट हाउस के पास मृत अवस्था में पाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टि किसी बीमारी से बाघ की मौत होना प्रतीत हो रही है। हुआ है, उसके बॉडी की विसरा के सैंपल हमने लिए हैं, स्किन का सैंपल लिया है, इसको हम आगे प्रयोगशाला में भेजेंगे जांच हेतु। उसमें बहुत सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी तो उसके साथ कोरिलेट होकर इसका फिर प्रॉपर जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर हो जाएगा। ये नर है और एडल्ट है, करीब 12 से 15 साल के बीच की उम्र। मैं डॉक्टर तरुण कुमार गर्ग, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल। मेल है टाइगर और लगभग 10 से 15 साल के बीच का है, थोड़ा एज है। उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसको बाद में लाके जो है एज पर जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उस अनुसार जो है उसका पोस्टमार्टम वगैरह जो उसकी प्रक्रिया गतिमान है अभी। ये सुरई में जो प्रथम दृष्टिया जो हमें अभी लगा है, क्योंकि इसके आसपास कुछ ऐसा इसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो इंटैक्ट हैं, इसके नाखून, दांत और जो इसकी मतलब पूरा टोटल बॉडी जो है वो इंटैक्ट है, उससे कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त जो है जहाँ पे ये इसकी जो डेथ हुई है उस पर भी मतलब जो है इस तरह की हमारे ऐसे एविडेंसेस समझ लीजिए या फिर इनडायरेक्ट जो है चीजें ऐसे देखिए कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये या तो बीमारी से जो है इसकी डेथ, ऐसी संभावना लग रही है। फर्दर हमने जो है इसके जितने भी टेस्ट वगैरह है, जो फॉरेंसिक टेस्ट होते हैं और उसके बाद जो है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसी ने जो है खुलासा। कूड़ा उठान को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी व नगर निगम प्रशासक सोनिका के स्टेक होल्डरों और PMC अधिकारियों की अहम बैठक हुई है, जिसमें सभी वार्डों में डोर टू डोर माध्यम से कूड़ा उठान की बात रखी गई है। इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विनाश खन्ना ने कहा कि बैठक में डोर टू डोर सर्विस और रोड स्वीपिंग को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। द्वारा जो कि हमारी प्रशासक भी है इस समय, उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से जो है बैठक ली गई, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे, हमारे PMC कंपनीज भी थी उसमें, हमारे जो डोर टू डोर वाली कंपनीज है वो भी शामिल थी, और नगर निगम के सभी जो हमारे अधिकारीगण वो भी मौजूद थे, सभी SNAs, UNAs, EMNAs सभी लोग थे, जिसमें उनके द्वारा प्रशासक महोदय के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से जो है जो डोर टू डोर सर्विसेज हैं और जो रोड स्वीपिंग है उसके लिए जो है दिशा निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में डोर टू डोर 100% हम लोगों के द्वारा जो है संपादित किया जाना है, जिसके लिए SNAs की टीम भी बना दी गई है, जिनको 25-25 वार्ड दिए गए हैं कि उनके द्वारा जो है मॉनिटरिंग का कार्य जो है किया जाएगा, तथा यदि हमें अपनी कार्य योजना में कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी प्रारूप दिए गए हैं, जो कि सुपरवाइजर्स के माध्यम से भर के तत्पर रूप से तैयार करके दिए जाने हैं, ताकि जल्द से जल्द उस पर अगर हमें कार्य योजना में कोई बदलाव करना है तो वो किया जा सके, ताकि आमजन और सर्वजन के हिताय के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो पूरा किया जा सके। रुद्रपुर शहर में आबकारी विभाग के छापेमारी में एक बंद कमरे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है।
शराब किसकी थी ये अभी पता नहीं चल पाया है। आबकारी निरीक्षक महेंद्र सिंह बीस्ट के मुताबिक उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रुद्रपुर की घास मंडी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान एक बंद कमरे का ताला तोड़कर अंदर जांच की गई तो वहां पर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। आपको बता दें कि बुधवार को मोहल्ले के कुछ लोगों ने जिलाधिकारी और आबकारी विभाग को पत्र देकर कुछ लोगों पर अवैध शराब की बिक्री करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विभाग ने यह एक्शन लिया है। देखिए ये जो शराब तस्कर है मौका देखकर कभी भी ये शराब अपने रखते हैं अपने पास, लेकिन हमारी जो है मुस्तैद टीम चल रही है समय और मुखबिरी काफी मिल रही है यहाँ से, तो हमें इसकी सूचना मिली और हमने यहाँ पर कार्रवाई की। लगभग चार पेटी है, अब इसको हम गिन रहे हैं चार पेटी में कितनी शराब है, लगभग चार पेटी है, कट्टों में भरी हुई शराब। हाँ, कट्टों में पेटियां रखी है और जो है उसको हम गिन रहे हैं। काशीपुर में राशन विक्रेता ने अपनी मांगों को लेकर राशन वितरण कार्य बंद हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही पूर्ति निरीक्षक अल्पन बजाज को मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस दौरान अध्यक्ष विनोद सारस्वत ने बताया कि कई वर्षों से विक्रेताओं द्वारा मानदेय आय गारंटी दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसे सरकार और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय विभाग ने हमेशा अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र विक्रेताओं को मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कोरोना काल में वितरित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की लंबित धनराशि का भुगतान शीघ्र ही किया जाए। राष्ट्रीय एसोसिएशन और उत्तराखंड संगठन द्वारा ये देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करा गया, जिसमें हमारी मुख्यतः मांग यह है कि हमारा मानदेय न्यूनतम आय गारंटी जो जीवन यापन के लिए हमारे बहुत जरूरी है, और दूसरा कोरोना काल के समय का लंबित जो हमारा भुगतान है वो आज तक नहीं हुआ, और जब से सरकार ने ये NFSA का जो सफेद कार्ड का जो ये फ्री करा है इसका कमीशन नियमित रूप से नहीं आ रहा, और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने और भी कुछ मांगे जो है खाद्य मंत्री के सम्मुख सरकार के सम्मुख जारी रखी है, जब तक इन सबका निराकरण नहीं होगा तब ये हड़ताल जारी रहेगी। जिसमें देहरादून को डस्टबिन फ्री अभियान के तहत डस्टबिन मुक्त करने की कवायद नगर निगम की ओर से तेज कर दी गई है। ऐसे 80 स्थानों को शहर भर में चिन्हित किया गया है जहां से कूड़ेदान हटाए जाने हैं। हाल फिलहाल में कई स्थानों से कूड़ेदान हटाए भी गए हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती निगम से सामने उन सभी स्थानों में कूड़ा फेंके जाने को लेकर है, जिसके लिए निगम जन जागरूकता अभियान चलाकर स्थानीय निवासियों से कूड़ा न फेंकने की अपील कर रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार जनवरी माह के अंत तक देहरादून के सभी क्षेत्रों को डस्टबिन मुक्त कर दिया जाएगा। डस्टबिन फ्री करने के निर्देश हमको शासन से प्राप्त हुए हैं पूरे देहरादून महानगर को। इसके क्रम में हमने आइडेंटिफाई किए हैं कितनी लोकेशंस पर हमारे डस्टबिन अभी प्रयोग किए जा रहे हैं सार्वजनिक डस्टबिन, तो करीब 80 लोकेशंस वो आइडेंटिफाई हुई हैं। उसका हमने एक प्लान तैयार किया है, तो हमने प्लान ये तैयार किया कि जनवरी एंड तक हम उसको पूरी तरीके से हटा देंगे सड़कों से, और अभी इसमें से कार्रवाई कुछ प्रारंभ हो गई है। 4 या 5 डस्टबिन हमने पिछले 2-3 दिन में हमने हटा दिए हैं, और उन स्थानों पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं अभी कि बिहेवियर चेंज एस्पेक्ट के द्वारा या इंसेंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। वहीं इसके अलावा 27 दिसंबर से मसूरी में विंटर कार्निवल शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मसूरी जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इस बात को लेकर देहरादून के SP ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि नया साल मनाने के लिए बाहरी प्रदेशों से भी कई पर्यटक मसूरी आते हैं, ऐसे में दिल्ली NCR और सहारनपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास रोड में डायवर्जन किया जाएगा और शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। इसमें बिल्कुल जैसा कि बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए, इसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली NCR और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुँच सके, सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31 के लिए जो प्लान है उसमें भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, वो भी बाहर जैसे इधर हरिद्वार।
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस जल्द ही बंद कमरों में बैठकें आयोजित करेंगी। वहीं बैठकों में 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि जनवरी में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड आ सकती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कुमारी शैलजा जल्द ही उत्तराखंड आएंगी। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा बहुत अनुभवी नेत्री है और केंद्र में लंबे समय तक मंत्री भी रही हैं। संगठन में काम करने का उन्हें लंबा अनुभव है। ये तो शैलजा कुमारी बहुत अनुभवी नेता है, केंद्र में बहुत लंबे समय तक मंत्री रही है। नरसिंहा राव जी के जमाने से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार तक बहुत अनुभवी नेता है। संगठन का उनको बहुत लंबा अनुभव है। मैं समझता हूं कि नई प्रभारी बनी है तो अभी वो कार्यक्रम में अपना चेकआउट कर रही है, बहुत जल्दी वो उत्तराखंड आएंगी। उत्तराखंड में युवाओं पर जंगली जानवरों का हमला लगातार जारी है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि जंगली जानवर ने युवकों को क्षति पहुंचाई है। जंगली जानवरों के हमले को देखते हुए वन विभाग अब जल्द ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि जिन लोगों का घर जंगल के किनारे है वे रात के समय जंगलों में ना जाएं या घर से बाहर ना निकलें। जो अटैक जो पिछले एक महीने में इसमें काफी वृद्धि हुई है अटैक्स में, खासकर टाइगर और लेपर्ड के केसेस ज्यादा हुए हैं। इसमें वन विभाग जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें व्यापक रूप से चलाने जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो गांव खासकर जंगलों के किनारे हैं वो लोग उन लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है कि देर रात जो है अकेले बच्चों को या खुद भी अकेले जो है। हल्द्वानी में भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद बिष्ट और विधायक सुमित अध्यक्ष के नेतृत्व में भू कानून लागू करने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हदयेश ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें वे युवाओं के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि सिडकुल के अंदर कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है, जिस पर सरकार शपथ पत्र जारी करे। कांग्रेस मूल निवास को लेकर सदन में भी सरकार से सवाल करेगी। क्या मांग पूरे राज्य का? नहीं, देखिए पूरे राज्य का जो हमारा जो पहाड़ का निवासी है, जो मैदानी निवासी है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद से और उससे पहले जो योगदान यहाँ दे चुके हैं पुराने परिवारों, सशक्त भू कानून लागू करने की मांग करें। पंडित नरेंद्र तिवारी जी की प्रथम सरकार बनी थी तो एक भू कानून अधिनियम यहाँ पे बना था, उसमें बाहर वालों की खरीद पर ऊपर जमीन पर एक रोक लगाई गई। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस व्यवस्था को रिवर्स कर दिया। एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड वासियों के हित में है। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने एक भू कानून में संशोधन कर अनलिमिटेड जमीन बाहर का व्यक्ति यहाँ खरीद सकता था, जो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के हित में नहीं है और उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के बाहर है, तो हम सशक्त भू कानून की मांग करते हैं। और साथ ही स्थानीय उद्योगों में 70% रिजर्वेशन का जो कांग्रेस ने प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया था उसे लागू करने की भी मांग वर्तमान सरकार से करी। उत्तराखंड के वासियों ने जब मतलब भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि भू कानून और मूल निवासी प्रमाण पत्र को लेके उन्होंने 24 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में काफी आंदोलन किया था, और इसी के तहत हम आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सिटी नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारे उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि सभी राज्यों से आके जो अपनी जमीनें हमारे उत्तराखंड की जमीनों को खरीद रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, तो उन पे ऐसा अधिनियम या ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए, ऐसा नियम बनाने चाहिए कि उत्तराखंड के लोग भूमिहीन ना रहे। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा तहसील क्षेत्र के सिसैया बांधा के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर बंद मार्ग को खुलवाने की मांग की है। बता दें कि राजस्व ग्राम सिसैया स्कूल के पास मुख्य मार्ग से बंदा गांव की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग से कई गांवों के ग्रामीणों का आवागमन रहता है और गांव के ही लोगों द्वारा कब्जा करने पर खुलवाने को लेकर ज्ञापन दिया गया है,
जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बीश ने कहा कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद यदि सरकार रास्ता भू अभिलेख में दर्ज पाया जाता है तो मार्ग को सुचारू कराया जाएगा। सर, कुछ वर्षों पहले 1952 में कुछ गांव बसे थे वहाँ, ग्रोह पड़ता, जाऊ पड़ता और कुछ गुरु पड़ता, बनमौलिया, ये तो बाद में 1965 में बसे हैं सर। और वहाँ से पुरानी सड़कें हैं, आना जाना पूरा लगा हुआ था सर। और बाद में कुछ लोगों ने उसको खरीद फरोख करके और जैसे भी हमारी ताड़ बाड़ लगा दी है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, हमारे बच्चे वहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। ये मंडला के ग्रामीण मेरे पास आए थे, उनका कहना है कि जो उनका जो रास्ता, जो सार्वजनिक रास्ता वो वर्षों पुराना चला आ रहा है, उसमें किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से तारबार कर दिया, जिससे जो वहाँ के बच्चे हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको आने जाने में असुविधा हो रही है। लिहाजा इसमें मैं अभी जांच करूंगा, क्योंकि उनका आरोप यह है कि ये हमारी सरकारी भूमि है, मतलब सरकारी रास्ता हमारा राजस्व विभाग का, तो मैंने तहसीलदार को जांच करने के लिए लिख दिया गया है। और जैसे जांच आख्या प्राप्त होती है कि हमारा सरकारी रास्ता, तो सरकारी रास्ते में किसी पर अगर अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम हटा देंगे और लोगों का जो भी रास्ता ब्लॉक हो रहा है उसको हटा दिया जाएगा। तो इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नया शर्मा आपसे लूंगी विदा, नमस्कार।